हेलो एवरीवन आज से हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा न्यू चैप्टर है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स इस चैप्टर में हमें ज़्यादातर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है उनके थ्रू तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाई जाती हैं किस प्रकार से सिंपल सर्किट्स बनाए जाते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है ठीक है तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ़ मेटल्स कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी हम किस प्रकार से मेटल्स कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ़ कंडक्टिविटी यानी कंडक्टिविटी के बेस में ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी द सॉलिड्स आर ब्रॉडली क्लासीफाइड एज जो हमारे पास मेटल्स नॉन मेटल्स या फिर हम बोले मेटल्स कंडक्टर्स और जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं हम उनको उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या रेसिस्टिविटी के थ्रू हम उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं ठीक है तो देखें आगे मेटल्स तो मेटल्स के लिए क्या है द दे प्रोसेस इज़ वेरी लो रेसिस्टिविटी और हाई कंडक्टिविटी मेटल्स क्या होते हैं आपका मेटल्स वो होते हैं जिनकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होती है लेकिन कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है ठीक है ना यानी इनके लिए रेसिस्टिविटी रो इक्वल टू कितना होता है टेन की पावर माइनस टू से टेन की पावर माइनस एट ओ मीटर के बीच में जबकि इनकी जो कंडक्टिविटी है सिग्मा वो कितनी होती है टेन की पावर टू से टेन की पावर एट सीमन पर मीटर होती है ठीक है सेमी कंडक्टर्स सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं दे हैव रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट टू मेटल्स एंड इंसुलेटर्स ये जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी और जो आपका रेसिस्टिविटी है वो मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है ठीक है ना इनकी जो रेसिस्टिविटी है रो वो क्या है आपका टेन की पावर माइनस फिफ्टीन से टेन की टेन की पावर माइनस फाइव से टेन की पावर सिक्स ओम मीटर के बीच में होती है जबकि इनकी कंडक्टिविटी सिग्मा आपका टेन की पावर फाइव से टेन की पावर माइनस सिक्स के बीच में होती है ठीक है ना आगे देखें इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स इनकी जो रेसिस्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है जबकि इनकी जो कंडक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा लो होती है ठीक है ना इनकी जो रेसिस्टिविटी है रो वो लगभग टेन की पावर इलेवन से टेन की पावर नाइनटीन ओम मीटर होती है जबकि इनकी जो कंडक्टिविटी सिग्मा है वो आपका टेन की पावर माइनस एलेवन से टेन की पावर माइनस नाइनटीन साम पर मीटर है ठीक है आगे देखिए टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स सेमी कंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं देखें सेमी कंडक्टर्स कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स सेमी कंडक्टर आपका दो टाइप के होते हैं कॉमनली फर्स्ट आपका एलिमेंट सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है हमारे पास कंपाउंड सेमीकंडक्टर ठीक है आगे देखिए एलिमेंट सेमीकंडक्टर एलिमेंट सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं दीज सेमीकंडक्टर्स आर अवेलेबल इन नेचुरल फॉर्म एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये क्या होते हैं आपका ये अवेलेबल होते हैं नेचुरल फॉर्म में ठीक है ना सिलिकॉन और जर्मेनियम आपके कॉमन क्या है एलिमेंट सेमीकंडक्टर्स हैं जो कॉमनली ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं अब देखें कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं दी सेमीकंडक्टर्स आर मेड बाय कंपाउंडिंग द मेटल्स ये आपका मेटल्स को किसी आगे सेम रेशियो में सेम आगे। आगे। आ, अनुपात में मिलाकर बनाए जाते हैं ठीक है ना ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं जिनमें से फर्स्ट होता है आपका इनऑर्गेनिक सेमी इसमें जैसे आपका कैडमियम सल्फाइड आ गया गैलियम आर्सेनाइड आ गया ठीक है ना इस टाइप के जो सेमी होते हैं उनको इनऑर्गेनिक सेमी बोला जाता है दूसरे होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक सेमी कंडक्टर्स ऑर्गेनिक सेमी कन्डक्टर्स क्या होते हैं जैसे आपका एंथ्रासन हो गया या डॉब्ड फोटोसाइनइंस हो गया इस टाइप के जो हमारे पास और uh, सेमीकंडक्टर होते हैं उनको ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं आगे देखिए एनर्जी बैंड एनर्जी बैंड क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू बोहरस एटॉमिक मॉडल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या बोहरस एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है इन एन आइसोलेटेड एटम एक आइसोलेटेड एटम में द इलेक्ट्रॉन्स हैव सर्टेन डेफिनेट डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है एक डेफिनेट डिस्क्रीट अमाउंट में एनर्जी होती है करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट सेल्स एंड सबसेल्स उनके सेल्स या सबसेल्स के अकॉर्डिंग उनके पास एनर्जी होती है दैट इज दे आर वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंड आइसोलेटेड आइसोलेटेड आइटम बट इन इन अ क्रिस्टल ड्यू टू इंटर एटोमिक इंट्रेक्शन अगर हम बात करें क्रिस्टल की तो उसमें इंटर एटोमिक इंटक्शन की वजह से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय मोर देन वन एटम जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक से ज़्यादा एटम्स में शेयर हुए रहते हैं ड्यू टू तो दिस जिस कारण से स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स टेक्स प्लेस तब यहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपका बढ़ जाते हैं द कलेक्शन ऑफ दिस क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एन एनर्जी बैंड ये जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स होते हैं जो बट जाते हैं इन्हीं एनर्जी लेवल्स को हम क्या बोलते हैं आपका एनर्जी बैंड बोलते हैं दीज बैंड आर फॉर्म्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस एनर्जी वेरिएशन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में जो आपका कंटीन्यूस एनर्जी वेरिएशन होता है इसी वजह से आपका एनर्जी बैंड फॉर्म होते हैं ठीक है देखिए वैलेंसी बैंड वैलेंसी बैंड क्या होते हैं द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंसी बैंड क्या कह रहे हैं वो एनर्जी बैंड जिसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स इंक्लूड्स होते हैं उन एनर्जी बैंड्स को हम क्या बोलते हैं आपका वैलेंसी बैंड बोलते हैं ठीक है ना कौन से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल इंक्लूड होते हैं इनमें दिस बैंड में भी पार्शली और कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स बट इज़ नेवर एक्टिव ये जो बैंड होते हैं ये पार्शियली या कंप्लीटली फिल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स से लेकिन खाली नहीं होते हैं ओके आगे देखिए कंडक्शन बैंड कंडक्शन बैंड क्या होते हैं द एनर्जी बैंड अबाव द वैलेंसी बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड वो बैंड जो क्या होते हैं आपका वैलेंसी बैंड के जस्ट ऊपर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आपका कंडक्शन बैंड बोलते हैं ठीक है आगे देखिए एट रूम टेम्परेचर दिस बैंड इज आयदर एम्पटी और पार्शली फील्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पर ये जो बैंड होते हैं या तो खाली होते हैं या फिर पार्शली फील्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स से ठीक है इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी फ्राम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी गेन करते हैं देन जंप फ्रॉम वैलेंसी टू कंडक्शन बैंड और ये क्या करते हैं आपका जंप करते हैं वैलेंसी बैंड से कहाँ पर कंडक्शन बैंड में एंड कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करेंट तो इलेक्ट्रिक करेंट में क्या करते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं ठीक है होता क्या है कि जैसे ये आपका क्या है वैलेंसी बैंड है ठीक है नहीं और जस्ट इसके ऊपर क्या होता है आपका कंडक्शन बैंड होता है तो अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपका कहां पर वैलेंसी बैंड में जब हम एक्सटर्नल सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से इनको कुछ एनर्जी देंगे तो ये एनर्जी पाकर क्या करेंगे ये आपका कंडक्शन बैंड में जाना चालू कर देंगे ठीक है ना इस प्रकार से तो इनके फ्लो की वजह से क्या होगा करंट फ्लो होने लग जाएगी कंडक्टर में ठीक है ना तो ये होता है आपका कंडक्शन बैंड आगे देखिए एनर्जी बैंड गैप एनर्जी बैंड गैप क्या होते हैं द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप वो मिनिमम एनर्जी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है किसी इलेक्ट्रॉन को कि वो वैलेंसी बैंड से कहाँ चले जाएँ कंडक्शन बैंड में चले जाएँ उस मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं आपका एनर्जी बैंड गैप इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है ना मैं फिर से समझाता हूँ कि जैसे ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है और ये हमारे पास क्या है वैलेंसी बैंड है तो किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए वो मिनिमम जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं आपका एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं ठीक है इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है इट इज द गैप बिटवीन द टॉप ऑफ द वैलेंसी बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड ये क्या होता है ये गैप होता है किसके बीच में वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में इट कैन बी ज़ीरो स्मॉल और लार्ज डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ये जो होता है आपका ज़ीरो भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है ठीक है ना वो मटेरियल पर डिपेंड करता है ठीक है ना इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम मेटल की बात करते हैं तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास वैल कंडक्शन बैंड और ये जो वैलेंसी बैंड है इनके बीच में ये जो गैप है ठीक है ना ये क्या है आपका एनर्जी बैंड गैप है तो ये मिनिमम होगा मेटल्स के लिए ठीक है ना सेमी कंडक्टर्स के लिए थोड़ा सा ये गैप बढ़ जाएगा ठीक है नहीं इस प्रकार से ये जो गैप आप देख रहे हैं ये थोड़ा बढ़ जाएगा और अगर हम बात करते हैं किसके लिए आपका इंसुलेटर के लिए कहते हैं तो ये जो बैंड गैप होगा सबसे ज़्यादा होगा यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा गैप है तो ये मटेरियल पर डिपेंड करता है कि वो मटेरियल किस टाइप का है आपका कंडक्टर है इंसुलेटर है या फिर सेमी कंडक्टर है ओके okay. आगे देखिए इफ लैमडा इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन यूज इन शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड देन एनर्जी बैंड गैप इज देखें अगर जो रेडिएशन है जिसका यूज किया जा रहा है किसी इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने के लिए वैलेंसी बैंड से कहाँ पर कंडक्शन बैंड में शिफ्ट करने के लिए उसकी वेवलेंथ अगर लैमडा है तब एनर्जी बैंड गैप ई जी इक्वल टू होती है हमारे पास एच न्यू और न्यू की वैल्यू हम जानते हैं सी अपॉन ऑन होती है तो ई जी की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है एच सी अपॉन लेमडा मिल जाती है ठीक है यहाँ पर जो एच है उसे क्या बोलते हैं आपका प्लैंक प्लैंगट बोलते हैं और जो सी है वो क्या है आपका विलोसिटी ऑफ लाइट है ओके अब देखिए फर्मी एनर्जी फर्मी एनर्जी क्या होती है एप्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर किसी फ्री इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है ठीक है ना मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम फर्मी एनर्जी बोलते हैं और ये डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है हमेशा ओके okay? सो so, आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ थैंक यू सो मच